फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप आधार कार्ड में आपका नेम चेंज करना चाहते हो या आपका सरनेम चेंज करना चाहते हो या आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम यानी आप नेम में जो भी चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो और आपको नेम चेंज करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी होगा, तो इस वीडियो में मेनली मैं बताऊँगा कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आधार कार्ड में आप नेम चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी स्टेप पता नहीं कि कैसे नेम चेंज किया जाता है तो उस रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस वीडियो को देख के आप ए टू जेड प्रोसेस जान सकते हो और आप इस प्रोसेस को करके आपका जो नेम है नेम को करेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैंने दिया था पैन कार्ड एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो पैन कार्ड से ही नेम चेंज हो गया बिल्कुल पास या 6 दिन में, जिसका मैं प्रूफ भी दिया हूँ, तो प्रोसेस का भी आपको पता चल जाएगा कैसे करना है और ये सही में करेक्शन हुआ या नहीं उसका भी मैंने प्रूफ वीडियो भी दिया था, तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मेनली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स देने से आपका एप्लीकेशन 100% अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका नेम चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आप थोड़ा अच्छी तरह से सुन लेना ताकि कौन सा डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आपको रखना है आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये सब डिटेल्स में देखने के लिए आपको आना होगा UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट में, तो आने के बाद आपको इस पेज में आना होगा। तो इस पेज में आने के बाद इधर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से आपका नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा लेकिन जब आप अंदर जाएंगे चेंज करने के लिए तो उसमें आपको इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखता है, इसमें आपको 32 डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, बट जब हम लोग प्रोसेस करने के लिए अंदर जाएंगे तो उसमें 32 डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखता है, बहुत ही कम दिखता है। फिर ऐसे ही आपका है प्रूफ ऑफ एड्रेस में, तो इसमें भी आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा जैसे कि 45, लेकिन जब हम लोग अंदर में जाके प्रोसेस करेंगे तब जाके इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेस के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट शो होता है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है ताकि आपका एप्लीकेशन फटाफट से अप्रूव होकर चेंज हो जाए। तो इसमें करने के लिए आपको ये सब डिटेल्स देना होगा, तो डिटेल्स देने के बाद इस टाइप से आ जाता है, तो नेम चेंज का जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन को चूज करके आपको प्रोसीड करना होता है। और फ्रेंड्स देखिए, नेम चेंज आप 2 टाइम्स यानी 2 अटेम्प्ट आप कर सकते हो, तो 2 टाइम्स करने के बाद फिर आपका नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान में रख के ही आपको करेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स इसमें आप नेम पे टिक करके प्रोसीड कर दीजिए, तो प्रोसीड करने के बाद इस टाइप से शो हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, तो इसमें क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स लिस्ट शो हो जाता है। तो फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे है पासपोर्ट, तो आपको पता ही होगा कि पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है, तो अगर आप पासपोर्ट से प्रोसेस को करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फटाफट से ही अप्रूव हो जाएगा और आपका जो भी नेम चेंज है वो चेंज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाता है। फिर पैन कार्ड, तो पैन कार्ड से ऑलरेडी कर चुका हूं, तो पैन कार्ड से भी हो जाता है। फिर आपका रेशन कार्ड जिसमें फोटो होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय PSU, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। फिर एनरेगा जॉब कार्ड से भी होता है। फिर आपका कोई भी कॉलेज का आईडी प्रूफ है जैसे कि आप देख सकते हो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपके पास कॉलेज आईडी कार्ड है तो उससे भी आप नेम चेंज कर सकते हो। फिर आप नीचे देख सकते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं मेनली बताना चाहूँगा जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो नीचे का जो एक ऑप्शन है आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफाई हैविंग फोटो इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर और तहसीलदार ऑन लेटर हेड, तो इस ऑप्शन को चूज करके और आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा जो गेजेटेड ऑफिसर से बनाना होगा या तहसीलदार से बनाना होगा, तो बना के उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मेरिट हो तो आप जो मेरिट सर्टिफिकेट है तो मेरिट सर्टिफिकेट से भी आप चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका नेम चेंज हुआ था कभी भी तो लीगल नेम चेंज सर्टिफिकेट जो रहता है तो उस सर्टिफिकेट से भी आप कर सकते हो। तो इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपका नेम करेक्शन आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही था, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।